चेतेश्वर पुजारा ने रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर दिया बड़ा बयान। चेतेश्वर पुजारा पिछले कुछ वर्षों से टेस्ट प्रारूप में भारत के लिए रन बनाने में अग्रणीय बल्लेबाजों में से एक रहे हैं और उनकी निरंतरता के लिए जाना जाता है। वार्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनका अच्छा प्रदर्शन था, जहां पर चार मैचों में 271 रन के साथ चौथे सबसे बड़े स्कोरर थे। इस बार वह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की टीम का हिस्सा हैं, जो मुंबई में टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि वह पावर हिटर नहीं है, लेकिन यह भी कहा है कि वह अपने टीम के साथ ही रोहित शर्मा और विराट कोहली से सीखने की उम्मीद करते हैं कि सीमित ओवर के प्रारूप में मैच की स्थिति के अनुसार कैसे अनुकूल हुआ जाए। ESPN से बातचीत में पुजारा ने कहा है कि जब स्ट्राइक रेट की बात आती है तो मैं मानता हूं कि मैं पावर हिटर नहीं हूं, लेकिन साथ ही आप विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों से सीखते हैं। रोहित शर्मा विशुद्ध रूप से पावर हिटर नहीं है, लेकिन वह उस गेंद का सबसे अच्छा टाइमर है जिसे मैंने छोटे प्रारूप में देखा है। पुजारा ने कहा है कि आप केन विलियमसन जैसे खिलाड़ियों से सीखते हैं, यहाँ तक कि स्टीव स्मिथ से भी। ये सभी सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स खेलकर रन बनाते हैं। मेरे पास वह मानसिकता भी है कि अगर मैं सफल होना चाहता हूँ तो मुझे इनोवेटिव होने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही आप क्रिकेट शॉट्स खेलकर भी रन बना सकते हैं। हालांकि इस बल्लेबाज ने तर्क दिया है कि वह देश में घरेलू क्रिकेट में सीमित ओवर की टीमों का हिस्सा रहे हैं और काउंटी क्रिकेट खेले हैं, इसलिए इस मायने से उन्हें IPL 2021 में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जरूरत अनुभव है। गौरतलब है कि पुजारा IPL में खेलने के लिए खास से उत्साहित नजर आ रहे हैं। IPL में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।